राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है, जिस वजह से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राज्य और केंद्र के बीच भी टकराव पड़ता जा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई भी चल रही है, जहां आए दिन दिल्ली की मांग के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई ना दे पाने पर केंद्र को फटकार भी लगाई जा रही है। जबकि नौबत तो यहाँ तक आ गई कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र के दो अधिकारियों को अवमानना का नोटिस तक थमा दिया, जिसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन यहां भी केंद्र सरकार को मुंह की ही खानी पड़ी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया था, जिसकी सप्लाई ना होने पर केंद्र सरकार के दो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों पर अवमानना के नोटिस पर रोक लगा दी, पर दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई देने के मामले में केंद्र को गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक का टाइम देते हुए जवाब मांगा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे मुहैया कराई जाएगी, इस पर एक प्लान बनाकर हमें बताएं। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़ाने आई थी। नमाज तो छूट गई, लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा है कि अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं होगी, लिहाजा केंद्र ये तय करे और 10:30 बजे तक गुरुवार सुबह ये कोर्ट को बताए कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली के लिए करने के लिए उसके पास क्या कार्य योजना है और उसको कितने घंटे में अमल दिया जाएगा, कितने घंटे में दिल्ली की मांग सुचारू रूप से पूरी की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी सरकारें हाथ मिलाकर चलें तो बढ़िया होगा। अब देखते हैं केंद्र सरकार कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आती है, जिसमें वो बताएगी कि आखिर दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के फॉर्मूले पर फिर से विचार करने को कहा। साथ ही राजधानी में ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने को भी कहा है, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और केंद्र के अफसर रहेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार से कल सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी और उसका प्लान क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।